चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है सिकंदर कालू की तरफ से। तो इन्होंने इनकी ईपी की ट्रैक लिस्ट जारी कर दी है, आप देख सकते हो, जिसमें कि 5 गाने हमको देखने के लिए मिलने वाले हैं और इसमें एक कपाजी के साथ भी कोलैब सॉन्ग है। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है रायचू की तरफ से। तो रायचू का भी नया गाना नखरे रिलीज हो चुका है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है कपाजी की तरफ से। तो कपाजी का जो सूखा सॉन्ग आने वाला है उसका उन्होंने टीजर रिलीज कर दिया है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो सॉन्ग है ये हमको 14 दिसंबर को देखने के लिए मिलने वाला है। अगली जो न्यूज है वो आ रही है हरजस की तरफ से। तो हरजस की आपको पता ही होगा कि एक्स एल्बम आने वाली है, तो उन्होंने एक स्टूडियो डाली हुई है, आप देख सकते हो। अगली जो न्यूज है वो आ रही है कृष्णा की तरफ से। तो जो ब्रदवी है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे Q&A रखा हुआ था और उसमें उनसे किसी ने पूछा हुआ था कृष्णा एक्स ब्रदवी डेट, तो इस पर उन्होंने क्या कहा हुआ है आप खुद सुन सकते हो। मैन इट्स बीन अ व्हाइल सिंस वी वेंट आउट ऑन अ डेट, थैंक यू फॉर आस्किंग, ऑल्दो वी हैव बीन इन अ लॉन्ग डिस्टेंस ओपन relationship for quite some time now, and also Krishna, if you're watching this, I hope you got the flowers I sent you, man. Cheers. साथ ही मैं आपको बता दूं, मुझे इंस्टाग्राम पर एक भाई ने एक क्लिप भेजी हुई थी, करण औजला के किसी सॉन्ग की शूटिंग वगैरह चल रही है और उसमें भाई ने कहा हुआ था कि ये शायद हो सकता है कि कृष्णा के साथ जो कोलैब सॉन्ग आने वाला है उसी की शूटिंग चल रही हो, आप खुद देख सकते हो। साथ में आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया हुआ था कि कल की वीडियो में कि धीरू मोहनचिक का डिस्ट्रैक आने वाला है साइज से कृष्णा के लिए, तो एंड शॉट का उन्होंने पोस्टर रिलीज कर दिया है और ये जो सॉन्ग है ये हमको आज ही देखने के लिए मिलने वाला है। अगली जो न्यूज है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो रफ्तार फीचर हुए हैं HH मैगजीन इंडिया के कवर पेज पर, आप देख सकते हो। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो अभी बेला का सॉन्ग रिलीज हुआ था स्पेस नाइट, उसके नीचे रफ्तार ने कमेंट किया हुआ है जिसपे कि उन्होंने लिखा हुआ है पप्पी दे दे के मार दूंगा। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है EPR की तरफ से। तो EPR ने भी उनके नए सॉन्ग का पोस्टर रिलीज कर दिया है जिसका नाम है कोई गम नहीं, और ये जो सॉन्ग है ये हमको 15 तारीख को देखने के लिए मिलने वाला है। अगली जो न्यूज है वो आ रही है MEB की तरफ से। तो MEB ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की हुई थी, आप देख सकते हो, जिसमें कि स्पॉटिफाई पर उनकी जो मालूम है ना एल्बम है उस पर 7 मिलियन स्ट्रीम्स कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी को शेयर करते हुए MEB ने लिखा हुआ था टॉप इंडिपेंडेंट एल्बम ऑफ द ईयर 2021 #MHN मालूम है ना ग्रेटफुल। साथ ही उन्होंने एक और स्टोरी डाली हुई थी, आप देख सकते हो, जिसमें कि लिखा हुआ था इंडिपेंडेंट 7 मिलियन स्ट्रीम्स ऑन डेब्यू एल्बम MEB द फर्स्ट टू डू सच थिंग 7 मिलियन प्लस स्ट्रीम्स ऑन डेब्यू एल्बम इन लेस देन 3 मंथ्स इंडिपेंडेंटली फीचरिंग ऑन बिलबोर्ड न्यूयॉर्क विद डेब्यू एल्बम इंडिपेंडेंटली रिलीजिंग 4 म्यूजिक वीडियो बैक टू बैक फ्रॉम द एल्बम विद इन 1 मंथ इंडिपेंडेंटली, क्या बोलते। तो इसी को शेयर करते हुए MEB ने लिखा हुआ था ड्रॉप्ड 10 म्यूजिक वीडियो फ्रॉम द एल्बम 3 लेफ्ट। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।